दोस्तों, जय माता की। राधे राधे आप सभी को। तो कभी कभार हम अपने घर को सुंदर सजाने के लिए जाने अनजाने में कुछ ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जो कि हमारे घर के वास्तु को खराब करता है और हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो ज्योतिष के हिसाब से कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो वर्जित है, नहीं लगाना चाहिए, वही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत छोटा है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं वही बताती हूँ आपसे। महाभारत की युद्ध की तस्वीर है, उसको हमें कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ताजमहल की जो तस्वीर होती है या फिर ताजमहल का जो फोटो होता है, मूर्ति होता है, वो भी नहीं रखना चाहिए। वो किसी की प्यार की निशानी है तो किसी की कब्र की भी निशानी है, उसको भी नहीं रखना चाहिए। नटराज की जो मूर्ति होती है उसमें शंकर भगवान तांडव करते रहते हैं तो वो भी नहीं रखना चाहिए। डूबती हुई जहाज की जो तस्वीर होती है या फिर नाव की तस्वीर होती है, उसका भी दृश्य हमें अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। फुहारे का जो दृश्य होता है ना, झरने से पानी गिरते हुए, वैसी भी तस्वीर हमें घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जंगली जानवर, जो हिंसक जानवर होते हैं, उसकी भी तस्वीर हमें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उसकी भी तस्वीर कभी भी हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। सूखे हुए फूल, जैसे कोई बुग्गे दे दिया है या फिर आप भगवान को कोई फूल चढ़ाए हैं, जब तक ताज़ा है तभी तक उसको घर में रखें। जैसे वो मुरझा जाए उसको विसर्जन कर दीजिए, वो भी नहीं रखना चाहिए। कभी भी हमें कांच टूटा हुआ घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर कांच टूट गई है या कोई भी कांच की चीज़ें हैं तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और दूसरा क्या कि हमें कभी भी तुलसी सूखी हुई नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी सूख गई है तो उनको निकालिए, वहाँ पे दूसरी तुलसी लगाइए और उनको विसर्जन कर दीजिए। तो यही छोटी मोटी सी जानकारी थी आप सबके लिए मैं लेके आई थी। अगर वीडियो आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की। राधे राधे आप सभी।